नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज की खबर जो है कहने को ये नई खबर नहीं है, वसई विरार में ऐसे बहुत मामले होते रहते हैं और जिस व्यक्ति से संबंधित ये खबर है उसके खिलाफ भी कई मामले हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं नाला सुपारा के एक वार्ड के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता की। सीताराम गुप्ता के भतीजे अरुण गुप्ता के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने नाला सुपारा की डंपिंग ग्राउंड जमीन, आरक्षित जमीन, उसके ऊपर अवैध तरीके से बिल्डिंग का निर्माण करके लोगों को फंसाया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और 10 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है। इस मामले में भी हाल ही में उनके ऊपर आचोले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। आचोले पुलिस स्टेशन ने अरुण गुप्ता को हिरासत में भी लिया है और चूंकि मामला काफी बड़ा है, ये पूरी 10 एकड़ जमीन की वैल्यूएशन 70 से 80 करोड़ बताई जा रही है। इसके लिए आचोले पुलिस स्टेशन ने यह मामला इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक गुना शाखा को यह ट्रांसफर कर दिया और अब इसकी जांच आएगी कि आर्थिक गुना शाखा कर रही है। अभी आर्थिक गुना शाखा की जांच में आगे क्या आएगा यह बाद में देखा जाएगा, लेकिन आर्थिक गुना शाखा की हम बात करें तो आर्थिक गुना शाखा जब कोई बड़े आर्थिक क्राइम होते हैं जिसकी लिमिट जहां तक हमारी जानकारी है 30 लाख के ऊपर कोई ऐसे गुना है जिसमें 30 लाख से ज्यादा की कीमत हो तो वो जाता है आर्थिक गुना शाखा को। उसके ऊपर उनकी लिमिट कहां तक है 3 करोड़ मेरा सुनने में आया है, लेकिन ये 80 करोड़ का मामला आर्थिक गुना शाखा में कैसे गया? अगर ये 80 करोड़ का मामला है तो ईडी में जाना चाहिए था, ये भी एक सवाल है। लेकिन तब भी आर्थिक गुना शाखा की मैं बात करूं तो आर्थिक गुना शाखा के काम करने की पद्धति क्या है ये भी सवाल अभी सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक पुराना मामला है। आपको मालूम होगा 2018 में वसई सांडोर प्रकरण, माइकल प्रधान का जो मामला था, उस मामले में वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी, तहसील कर्मी, वकील, तलाठी, इन सबको मिलाकर कुल 47 लोगों के ऊपर FIR हुई थी। उस मामले में आज तक आर्थिक गुना शाखा की जांच पूरी हुई या नहीं हुई इसकी अभी तक जानकारी, ऑफिशियल आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। 4 साल पुराना वो मामला है, गंभीर मामला है जिसमें 47 लोगों के ऊपर FIR होती है और वो मामला आर्थिक गुना शाखा के पास जाता है, लेकिन तब भी 4 साल डिले हो गया। 2018 नवंबर 2018 में वो FIR हुई थी। आज अभी मई 2022 है। अब इस मामले में आर्थिक गुना शाखा किस तरह से जांच करेगी ये देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे संवाददाता ने वसई पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र कामले से भी बातचीत की। सर बताइए, क्या वो जमीन का जो मामला है उस बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमारे यहाँ माइकल जॉन प्रधान करके एक बंगली साइड में रहने वाले हैं, उन्होंने उनका डॉक्यूमेंट दिखा करके उनके साथ कैसा चिटिंग हुआ, उनकी जमीन है थी उनके साथ में 1930 से लेकर आज तक कैसा चिटिंग हुआ और हर टाइम गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर के जिन लोगों ने उनका डॉक्यूमेंट चेंज किया, सात बार अपने नाम चेंज किया, खुद का नाम लगा लिया और इनके जगह पर कैसा कब्जा करते करते गए और बिल्डिंग बनाया है, और वो बिल्डिंग बनाते टाइम जो भी NOC है वो है वो कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर ने उनको दिया, ये उन्होंने सब कुछ बताया हमको। प्राइमर बेसिकली उनका जो सुनने के बाद और डॉक्यूमेंट देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि इसमें FIR होकर के इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, इसलिए इसमें हमने FIR दाखिल किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो पालघर के अपना जो आर्थिक गुने शाखा है वो कर रही है। सर, माइकल प्रधान के पास में क्या पुख्ता सबूत है, क्या पुख्ता ऐसी है जिसके आधार पर आपने? इनके पास 1950 से पहले का जो डॉक्यूमेंट है, इनके नाम पर वो जमीन है, इनके
पिताजी थे, उनके ग्रैंडफादर थे, उनके नाम पर वो जमीन है, इसका डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है। उसके बाद जो इसमें जो पार्के है राजेश पाटिल, ये उनके पिताजी, उनका नाम कैसे लग गया, इसके लिए उनके पास कुछ कैसे लग गया? पाटिल का तो कुछ डॉक्यूमेंट पहले का नहीं है, 1950 के बाद का है, मगर पहले उनके नाम पर जमीन कैसे आई, इसका कोई, ये जो आरोपी पार्टी है उनके पास सबूत नहीं है, और जो फिरियादी पार्टी है उन्होंने जो भारतीय के मुताबिक इन्फॉर्मेशन मांगी, तो इनका नाम कैसे चढ़ा हुआ आज तक उन्होंने बताया नहीं कि ये फर्स्ट पार्टी है, उनके नाम पर कैसे इन्होंने ये जगह चढ़ा। सर इसमें आरोपी में कौन कौन है? इसमें आरोपी कुछ महानगर पालिका के लोग है, कुछ महसूल के लोग है, और कुछ एडवोकेट्स है, और कुछ जिन्होंने इसके ऊपर नाम चेंज होते गए, ये सभी एक 47 आरोपी का नाम उन्होंने इसमें दायर किया है। हर एक का रोल उन्होंने उसमें बताया कि उन्होंने कैसा उसका रोल है इसमें, उसके मुताबिक दाखिल है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे उसके मुताबिक उनके ऊपर जो है वो आरोप कौन सा है वो तय करके फिर उनको आगे का। सर 2012-13 में माइकल प्रधान के ऊपर, वसई पुलिस स्टेशन में कुछ गुनाह दाखिल किया गया था, वो लोग जो अगेंस्ट पार्टी है जिन्होंने फोर्जरी किया, उस केस में भी क्या? वो केस में चार्जशीट गया है, वो केस अतिक्रमण किया इन लोगों ने, ऐसा था। हाँ, तो उसमें माइकल प्रधान वास्तव में गुनहगार साबित हो रहा है कि सामने वाले ने वो बोगस केस किया था? नहीं, उसमें तो चार्जशीट ऑलरेडी पहले ही गया है कि मतलब उसका रोल है उसमें आरोपी करके, और उस टाइम तो मतलब चार्जशीट गया है 2012। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।